नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं स्वच्छ इंडिया न्यूज चैनल। आइए बात करते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबरें। नगर निगम प्रवर्तन अधिकारी कर्नल आलोक नारायण के नेतृत्व में प्रवर्तन दल द्वारा शहर के विभिन्न स्थानों पर देर रात नाके लगाए गए। चेकिंग में भौती बाईपास के पास प्रतिबंधित थर्मोकोल प्लेटों से भरा एक डीसीएम ट्रक UP 92T0671 पकड़ा गया। यह गाड़ी महावीर थर्मोप्लास्ट की रनिया स्थित फैक्ट्री से लोड होकर विजय ट्रेडर्स कौशाम्बी जा रही थी। महावीर थर्मोप्लास्ट फैक्ट्री की थर्मोकोल प्लेटों की गाड़ियां पहले भी प्रवर्तन दल द्वारा पकड़ी जा चुकी है। इस ट्रक में 170 बोरियों में कुल 850 किलो प्रतिबंधित थर्मोकोल की प्लेटें लोड थी। वाहन को रात में ही नगर निगम लाकर पूरा माल जब्त कर लिया गया। नगर आयुक्त के आदेश पर जब्त प्लास्टिक ग्लासों की खेप को कूड़ा कॉम्पैक्ट गाड़ी से दबवाकर निस्तारण हेतु पनकी कूड़ा प्लांट भिजवा दिया गया, जिससे जब्त माल का दुरुपयोग न हो पाए। माल मालिक द्वारा देर शाम तक जुर्माना न जमा करने के कारण ट्रक को नगर निगम परिसर में ही खड़ा कर दिया गया है। इस अभियान में प्रवर्तन दल के सूबेदार अवधेश सिंह, लक्ष्मण सिंह, वीरेंद्र स्वरूप, रामेंद्र सिंह, हवलदार धनंजय, जितेंद्र सिंह, राम नरेश, इंद्रजीत, भूपेंद्र, राजेश, राजनारायण, जितेंद्र बहादुर इत्यादि शामिल रहे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.